साथियों, दशकों तक भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे स्पेस मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से जरूरत के हिसाब से बस कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ले लिए जाते थे। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ वेंडर बना देने की वजह से उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा अवरुद्ध रहे, एक दीवार खड़ी रही। जो सरकारी व्यवस्था में नहीं है, भले ही वो कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई युवा, वो स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने आइडियाज पर काम ही नहीं कर पाते थे। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान देश का हो रहा था। और इस बात गवाह है कि आखिर बिग आइडियाज ही तो विनर्स बनाते हैं। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके, उसे सारी बंदिशों से आजाद करके, इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करके देश आज विनर्स बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा, तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। इन स्पेस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इसरो के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सके, इसरो के साथ मिलकर काम कर सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है।